चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जैसलमेर के पोकरण थार सोलर पावर प्लांट में बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार धरना दे रहे हैं और ये धरना 16वें दिन भी जारी है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में आदर्श विद्या मंदिर तक जाने वाला भक्तों की झोपड़ी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, इसके कारण 800 स्कूली बच्चे और ग्रामीण खासे परेशान हो गए। भीलवाड़ा के सहाड़ा में बारिश प्रभावित क्षेत्रों में मंत्रियों का दौरा जारी है, जहां इस कड़ी में मंत्री किरण माहेश्वरी, अनिता भदेल, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इलाके का जायजा लिया और बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान प्रधान कमलेश चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि साथ रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासर में बाढ़ जैसे हालात में भी स्वच्छता अभियान को नहीं भूले हैं। अधिकारी ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी के गांव हापाखेड़ी में बरसात प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वहां पर भी अधिकारी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते दिखे। बारा के शाहबाद में पानी के बीच होकर स्कूल जाते हैं बच्चे, आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, शाहबाद के मोमोनी पंचायत का मामला है। बूंदी के केशवापाटन में फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने वाले बासिंदा सरपंच भंवरलाल चौधरी को न्यायालय ने पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया। चित्तौड़गढ़ के राजपुर में माचकुंडिया बांध में पानी की भारी आवक होने से 52 में से 20 गेट खोले गए, पानी की आवक अभी भी जारी है। वहीं पासी स्थित उचकिया बांध टूट गया है और उसका पानी बस्ती में फैल गया। वहीं इंडोली तालाब की पाल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे दुरुस्त करने का काम जारी है। बाड़मेर के गिड़ा क्षेत्र के खोखसर गांव में बरसाती पानी में नहाते उतरे 6 बच्चों की डूबने से मौत के मामले में स्थानीय विधायक व किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद देने की बात कही। हम आपको बता दें कि बायतूर खंड में 3 दिन से हो रही बरसात के बाद जमा पानी में नहाने उतरे 5 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे खुद को पानी के कहर से बचा नहीं पाए। स्कूल जाते समय रास्ते में बने गड्ढे पर नहाने चले गए, इस दौरान पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण 6 बच्चों की मौत के आगोश में चले गए। उस दौरान पूरे कोकसर गांव में हादसे के बाद मातम का माहौल है। सीकर के खंडेला में श्रीमाधोपुर मार्ग पर भोजपुर स्टैंड के पास अनियंत्रित होकर सवारी गाड़ी पलटने से 15 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खंडेला थाना पुलिस ने घायलों को खंडेला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायल महिला व पुरुषों सहित कुल 15 को चोट आई है, जिनमें से चालक सहित 2 महिलाओं को जयपुर रेफर किया गया, अन्य घायलों का सीएसपी में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चालक के अलावा सभी घायल एक ही परिवार के हैं, जो चौकी गांव में शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। जीप चालक प्रताप बावरिया, मूर्ति देवी और विदामा देवी को जयपुर रेफर किया गया। बारा के छिपा बड़ौत कस्बे के किसानों ने 25 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा और किसानों में फसल खराब होने और नए सिरे से भूमि सेटलमेंट को लेकर विधायक को ध्यान दिलाया। बीकानेर के खाजूवाला में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ विश्व समाज रैली निकालने की तैयारी कर रहा है। जहां कस्बे के जम्बेश्वर मंदिर में आयोजित बैठक में समाज के लोगों ने हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध जताते हुए 12 अगस्त को कस्बे में रैली निकालने का फैसला किया है। बीकानेर के नोखा के रासीसर गांव के पूर्वेतानवास में अचानक जमीन धस गई और करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया, इसके कारण लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार ये लगभग 60-65 फीट गहरा हो गया। बीकानेर के कोलायत के बद्रासर गांव में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। जहां वन महोत्सव कार्यक्रम में सरपंच रामकृष्ण आचार्य ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नागौर के पर्वत कस्बे में नगर पालिका की साधारण सभा चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई, जहां विधायक ने शहर के विकास के लिए सभी को एकमत रहने की सलाह दी है। और नेता प्रतिपक्ष ने सफाई नियमित नहीं होने और विकास कार्यों में चल रही ढिलाई पर नाराजगी जताई है। भीलवाड़ा के गुलापुरा कस्बे में हुई बारिश के बाद क्षेत्र के गांव में कई मकान और सरकारी विभागों के दफ्तरों में नुकसान हो गया है। इसके साथ ही बारिश के कारण कोटरी, टोकरवाड़, आगुचा, फलामादा में कच्चे पक्के मकान ढह गए। इसके बाद पंचायत समिति विधान और उपप्रधान ने प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना किया। वहीं इस आफत की बारिश से क्षेत्र के लगभग सभी तालाब लबालब हो गए। धूली मांग वार्ड 4 में और कई कॉलोनियों में पानी भरा, जिसे लेकर पालिका प्रशासन द्वारा कई जेसीबी लगाकर पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और यातायात को सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। चित्तौड़गढ़ के आकोला के पास उदयपुर जिले में बड़ा गांव बांध में बारिश से पानी की आवक बढ़ गई, जवान से निकलने वाले पानी से क्षेत्र की हजारों एकड़ कृषि भूमि सिंचित होती है। इस बांध में कुल 12.30 फीट पानी की आवक हुई, जो अपनी कुल भराव क्षमता का आधा ही है। तो वहीं लोगों का कहना है कि इस बांध का अधिकांश सिंचित क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। ये बांध बेड़ा नदी पर बना हुआ है और इसमें पानी की ऊपरी आवक उदयपुर शहर की झीलों व उससे सटे उदय सागर बांध पर निर्भर है। साथ ही बड़गांव बांध से कपासन उपखंड के निलोद, मुरला, चोरबड़ी सहित
अनेक ग्राम पंचायतों के हजारों किसान लाभान्वित होते हैं और इस बांध से चित्तौड़गढ़ जिले के 40 से अधिक गांव व उदयपुर जिले के करीब एक दर्जन गांव लाभान्वित होते हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे के पास ही अबेरसा मोड़ पर कलाजी मंदिर के पास एक कैबिन में चोरों ने किराना का सामान और कुछ चिल्लरों का हाथ साफ किया। इसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी धम्बोरा पुलिस को दी। अलवर के नीमराना में नीमराना से माधो सिंहपुरा बड़गुजरों की तरफ जाने वाले रास्ते में पानी भरा से वाहन तो दूरा पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। वहीं प्रशासन भी जोर को कदम नहीं उठा रहा। सीकर के रिंगस में नगर पालिका की पोल खुल गई और बारिश का पानी बस स्टैंड मठ मंदिर और भादपुर के मोहल्ले में भर गया जिसके कारण यात्री और वार्डवासी काफी परेशान हुए, लेकिन पार्षदों ने पालिका में शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जोधपुर बावड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कई परिवारों की स्थिति खराब हो गई। प्रशासन द्वारा लगातार सहयोग कर उनको हर संभव मदद की जा रही है। वहीं क्षेत्र के हंतुड़ी ग्राम में कच्चे मकान ढह जाने के कारण उन परिवारों की आर्थिक मदद के लिए सरपंच पंचायत समिति सदस्य सहित कई ग्रामीणों ने मांग की है। SDM डॉक्टर GL शर्मा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जोधपुर की बावड़ी पंचायत समिति के कस्बे में विश्नोई समाज सहित 36 कौम के वन्यजीव प्रेमियों ने उपखंड अधिकारी डॉक्टर GL शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आए दिन वन्यजीवों के शिकार करने वाले शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जीव रक्षा विश्नोई महासभा के तहसील प्रभारी सुनील पूनिया, महिपाल बांगड़वा, महेंद्र भवन, भगवान कसुआ सहित कई वन्यजीव प्रेमी मौजूद थे। सीकर के श्री माधोपुर में हृदय गति रुकने से सेना के जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जवान के पैतृक गांव होलेगावास में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान 14 साल से सेना में कार्यरत था। अजमेर के बिसांगर में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया। निकासी बाधित होने से बस्ती वासियों में ग्राम पंचायत के खिलाफ रोष है। टोक्योनियारा में खातोली और उदयपुरिया पुलिया पर पानी आने से परेशानी बढ़ गई है। पुलिया से 4-5 फीट पानी भरा है, फिर भी लोग पुलिया से निकल रहे हैं। चौकी देवली में बिसलपुर बांध का गेज 314.08 आरएल मीटर हो गया। 2004 के बाद इतनी तेजी से पानी की आवक हुई। 24 घंटों में लगभग 3 मीटर पानी की आवक हो गई। अलवर के रामगढ़ में ओडेला बिजवा मार्ग क्षतिग्रस्त, ओवरलोड वाहनों ने सड़क पर नामोनिशान मिटा दिया। सड़क पर गहरे गड्ढे बने हैं। आए दिन इससे हादसों से भी प्रशासन नहीं चेता। भरतपुर के कामों में राजकीय कॉलेजों को दोबारा चालू कराने की मांग तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकराई में बीडीओ की कार्यशैली से SDM नाराज है। मेहंदीपुर बालाजी की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज होकर SDM ने बीडीओ को रिमांड पर भेजा। 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी। करौली की टोड़ा भीम में वार्ड 15 में रोड लाइट नहीं जलती, इसकी प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। करौली के सपोटरा में कालीसिंह बांध से पानी छलकने लगा है। बांध 25.10 फीट भरा हुआ है। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है, बोई हुई फसलों को जीवन दान मिला है। बारिश के बाद कस्बे में गंदगी फैली है तो वहीं मार्गों में पानी जमा है। अजमेर के विजयनगर में थाना कोट तहसील बरल रोड कुशवा फार्म सहित क्षेत्र की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रही। अजमेर के मसूदा में उपखंड क्षेत्र के तालाब लबालब हो गए, जगह जगह पानी जमा है। 24 घंटे में 8 इंच बारिश हुई, किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।